श्री राधे राधे। भक्तों, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये भक्त का लक्षण होता है। स्वभाव की सरलता होती है, मन में कुटिलता नहीं होती है। और ठाकुर जी को ऐसे ही जीव, सरल स्वभाव वाले, जो कुटिलता से हीन जिनका मन होता है, प्रिय लगते हैं प्रभु को। मैं आप लोगों को महान संत भक्त माता लक्ष्मीमणि देवी का चरित्र सुना रहा था, जो कि बहुत ही पवित्र चरित्र। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुआ था, आपने श्रवण किया था। अब उन्हीं का चरित्र मैं भी आज आपको और सुना रहा हूं। ये उनका हृदय बहुत कोमल था माता का, और पतितों को देखकर उनके उद्धार के लिए वे बिल्कुल अस्थिर हो जाती थी, रुक नहीं पाती थी जब तक पतितों का उद्धार न हो जाए, उनका कल्याण न हो जाए। क्षेत्र मोहन नाम का हावड़ा का एक धनाढ्य व्यक्ति बड़ा शराबी था। वह स्वर्णमयी नाम की एक वेश्या के प्रति बड़ा आसक्त था। पत्नी और बच्चों की ताड़ना से उसने अपने आप को संभाल लिया था, तो भी कभी कभी उसका मन मदिरा और वेश्या के लिए छटपट करने लगता था। मन को स्थिर और शांत करने के लिए किसी ने उसे लक्ष्मी माँ की शरण ग्रहण करने की सलाह दी, तो उसने दक्षिणेश्वर जाकर उनके दर्शन किए और हृदय खोलकर सब बात कही। और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना किया उसने, तो माँ ने उससे एक निश्चित तिथि को गंगा स्नान करके आने को कहा, और उस दिन उन्होंने इष्ट मंत्र और महामंत्र उसे प्रदान किया और व्रज रज मुख में डाल करके कहा, अब चिंता नहीं पर हरिनाम बराबर करते रहना। और भक्तों, इस प्रकार से एक महान जो संत थी माता लक्ष्मीमणि, इनकी कृपा हो गई उसके ऊपर। और उस दिन से क्षेत्र मोहन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। वे कंठी और तिलक धारण करते, हर समय हरिनाम करते रहते, नित्य घोड़ा गाड़ी कर हावड़ा से दक्षिणेश्वर जाकर माँ के दर्शन करते। उनके पास दीनहीन की तरह कोने में बैठे रहते और उनका तथा उनके भक्तों का उच्छिष्ट ग्रहण करते, भक्तों का प्रसाद लेने का भाव इतना मन में हो गया था कि अब उसके लिए बहुत उनके मन में प्रेम रहता। कुछ दिन बाद जब बहुत दिन तक वे दक्षिणेश्वर नहीं आए, तो माँ को उनके बारे में चिंता हुई। एक दिन वे गंगा स्नान करने गई तो उन्होंने एक जली लकड़ी को अपने सामने बहते देखा। पीछे उन्होंने अपनी सेविका कमला से कहा, कल रात्रि क्षेत्र मोहन का दाह संस्कार हो गया, उसका आत्मा एक जली लकड़ी का सहारा ले मुझे देखने आया था। मैंने 3 बार तर्पण किया और उसके लिए प्रार्थना की। एक बार आगे की बात है भक्तों, एक बार लक्ष्मी माँ वृंदावन आई और अपने एक भक्त और शिष्या रुक्मिणी को साथ में लेके आई और निधिवन के निकट चौधरानी कुंज में ठहरी। गर्मी के दिन थे, तेज लू चल रही थी, भक्त लू के चपेट में आ गया।
उसका देहांत हो गया। और एक पंडे और भक्तों की सहायता से उसका अंतिम संस्कार करने यमुना तट पर गई, रुक्मिणी को घर पर छोड़ गई और अभागिन रुक्मिणी के मन में पाप आया। वो लक्ष्मी माँ का सब सामान और रुपए पैसे ले करके बंगाल भाग गई। माँ घर लौटी तो उनके पास कुछ रोजगारी के सिवा और कुछ नहीं था। तो उन्होंने कुमार पुकुर पत्र द्वारा सूचना भेजी, उनके भक्त आकर उन्हें ले गए, पर जब तक वे नहीं आए वे नित्य 2 पैसे देकर गोपाल भट्ट जी के समाधि सेवक से कुछ प्रसाद ले लेती, उसी को खाकर भजन करती। वे जब कुमार पुकुर पहुंची तो पता चला कि रुक्मिणी महाराज हैजा हो गया, उसको जो चोरी करके गई थी रुक्मिणी माता का सारा पैसा जो चोरी करके चली गई थी उसको हैजा हो गया है और मरणासन्न पड़ी है। उसी समय वे उसके घर गए और उसका अपराध तो क्षमा किया ही, ठाकुर का चरणामृत देकर और नाम सुनाकर उसकी सदगति भी की। महाराज इतनी उदारता क्षमाशीलता थी माता के अंदर। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो लक्ष्मी माँ के कुसुम से भी कोमल हृदय का परिचय देती हैं। पर ऐसी भी घटनाओं की कमी नहीं है जिनसे पता चलता है कि धर्म की हानि होते देख करके वे वज्र के समान कठोर भी हो जाती थी। कुमारपुकुर में उनके घर बलि देने आए थे जमींदार के प्रति, जो कठोर शासन उन्होंने किया था जब बचपन में थी, वो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। तो एक बार की और बात है कि वो काशी गई तो वहां उस समय एक बदमाश का बड़ा आतंक था, तो महिलाएं विशेष रूप से उसके कारण भयभीत रहती। तो माँ जब एक मंदिर में आरती दर्शन कर रही थी तो उसकी दृष्टि उनके रूप लावण्य पर पड़ी और उसने उनके पीछे आकर के कुछ असद आचरण करने की चेष्टा की। माँ ने उसी समय उग्र रूप धारण किया और उसकी चुटिया पकड़ करके घसीटा और इतना मारा कि लगने लगा जैसे उसके प्राण लेकर ही रहेंगे। लोगों ने प्रार्थना करके किसी प्रकार उन्होंने उनको शांत किया। तो ऐसे कभी कभी अनुचित बात पर कठोर भी होती थी और नहीं तो बहुत दयालु थी माता। बाद में लक्ष्मी देवी के भक्तों ने पुरी में स्वर्ग द्वार में एक आश्रम का निर्माण किया और उसमें वो रहने लगे। वे नित्य समुद्र स्नान कर हरिदास ठाकुर मठ में हरिदास ठाकुर की समाधि, गंभीरा में राधा कांत देव और जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाती। एक बार वे समुद्र स्नान करने अकेली गई, समुद्र के ज्वार भाटा में बहुत दूर चक्र तीर्थ तक बह गई। उस समय गौर वर्ण का एक युवक तैरता हुआ उनके पास आया और उन्हें किनारे पर ले गया। और संध्या समय जब वो जगन्नाथ मंदिर गई तो बलदेव के स्थान पर उसी युवक को खड़े मुस्कुराते हुए देख करके भाव समाधि में डूब गई। अब आप समझिए कि स्वयं
बलदेव अर्थात बलराम जी युवक के रूप में आकर के समुद्र में और उनके डूबने से उसको बचाए थे माता को। ऐसी संतों की भक्तों की भगवान की उनके ऊपर कृपा भी थी क्योंकि भक्ति बड़ी ऊंची थी उनकी। भक्तों पुरी में उनके आश्रम में नित्य 8-10 घंटे कथा कीर्तन होता था और ठाकुर सेवा भी बड़े नियम निष्ठा से होती। एक बार आश्रम में एक सेविका एक भक्त के आग्रह पर नारियल की मिठाई भोग के लिए तैयार कर रही थी तो भक्त ने माँ से कहा, माँ भोग के पश्चात इतनी मिठाई अमुक को देनी, इतनी जमाई और लड़की को भेजनी। माँ ने उस मिठाई का भोग नहीं लगने दिया। उन्होंने कहा, पहले से ही संकल्प विकल्प द्वारा भाव दुष्ट हुई वस्तु का ठाकुर को भोग नहीं लगता। ऐसी ये शिक्षा मिलती है कि भोग लगने के पहले ये सब बंटवारा नहीं करना चाहिए कि उनको इतना देना इतना देना, फिर भगवान का नहीं रह जाता वो। ये शिक्षा मिलती है माँ के इस चरित्र से। पुरी में लक्ष्मी माँ की भेंट हुई श्री विजय कृष्ण गोस्वामी से और श्री रामदास बाबा जी महाराज से और इष्ट गोष्ठी भी हुई उनसे। तो रामदास बाबा जी महाराज प्रतिवर्ष अपने भक्तों के साथ पुरी जाते हैं रथोत्सव के उपलक्ष में और रथ के आगे कीर्तन करते हैं। सन 1926 में रथ यात्रा के समय उनके एक भक्त हरनाथ आश्रम के उत्तर यतीन्द्र मोहन वकील के घर ठहरे थे। रथ यात्रा के पश्चात एक दिन उनके आग्रह पर बाबा जी महाराज ने यतीन्द्र मोहन के घर कीर्तन करना स्वीकार किया। उस दिन जब वे भक्तों से कीर्तन करते हुए माँ के आश्रम के सामने से यतीन्द्र मोहन के घर जा रहे थे, माँ भी अपने अंतरंग भक्त विष्णुदास जी को साथ में लेकर के उनके पीछे चल पड़ी। यतीन्द्र मोहन के घर बाबा जी महाराज के कीर्तन में उन्होंने देखा कि महाप्रभु को घेर करके अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं। अद्वैत प्रभु ने लक्ष्मी माँ से कहा, सिंगा बजा दे। माँ चुप बैठी रही, पर जब बार बार उन्होंने वही बात कही तो माँ ने बाबा जी महाराज की कीर्तन मंडली के एक भक्त से पूछा, सिंगा है? उन्होंने कहा नहीं। तब माँ ने खड़े होकर के हाथ पर हाथ रखकर सिंगा बजा दिया और सब लोग देखकर स्तब्ध रह गए। महाराज ऐसी दैवी शक्ति भी थी उनके पास। और इस घटना के पश्चात माँ अक्सर कहा करती कि रामदास बाबा जी महाराज के कीर्तन में निताई गौर नृत्य करते हैं। इसके पश्चात जब भी बाबा जी महाराज पुरी जाते माँ को जाकर प्रणाम अवश्य करते। भक्तों आज भी प्रत्येक द्वादशी को रामदास बाबा जी महाराज के भक्त हरिदास मठ से कीर्तन करते हुए माँ के आश्रम में जाते हैं और वहां कीर्तन करते हैं। लक्ष्मी माँ एक बार अपने प्रिय शिष्य श्री निताई चरण और उनकी पत्नी कमला देवी को केशी घाट वृंदावन में गदाधर प्रभु की दंत समाधि के दर्शन कराने को गई थी तो कुछ दिन पश्चात उन्होंने भावाविष्ट अवस्था में उन्हें अपने केश और दंत देते हुए कहा, देखो तुम लोग वृंदावन वास करना, मेरे लिए स्थान रखना। मेरा शरीर पुरी में छूटेगा पर वृंदावन में मेरा प्रिय स्थान है, वृंदावन मेरा प्रिय स्थान है। मैं दंत और केश के रूप में सूक्ष्म रूप से वहां रहूंगी।
तदनुसार सन 1926 में महाराज जब उन्होंने ये समय बीत गया 1926 के बाद, फिर लीला स्मरण करते हुए नित्य लीला में प्रवेश किया था और एक वर्ष बाद निमाई चरण बाबू ने वृंदावन में ब्रह्म कुंड में अपने कुल देवता श्री माधव राधा माधव जी के मंदिर के बगल में मां के दंत और केश लेकर उनकी स्मृति मंदिर की स्थापना की। आज भी उस मंदिर में उनकी सेवा पूजा रीत से की जाती है। मां के बहुत से शिष्य हुए जिनमें प्रधान थे श्री हरिगोपाल दास जी, जिनको तीन कौड़ी चक्रवर्ती कहा गया, और जो ब्रज में पंडित रामकृष्ण दास बाबा के सानिध्य में भजन करते थे, और श्री विष्णु मोहन दास जी जो पुरी में भजन करते थे। दोनों को मां ने गोवर्धन के सिद्ध मनोहर दास बाबा से भेष दिलवाया था। अपनी भ्रातुष्पुत्री श्रीमती कृष्णमयी माता गोस्वामिनी को वे लोगों को दीक्षा देने का निर्देश दे गई। मां की अपनी साधन प्रणाली मुख्य रूप से राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला स्मरण की थी, पर उन्होंने अपने शिष्यों में से दो चार को ही लीला स्मरण करने की अनुमति दी। साधारण रूप से वे निष्ठापूर्वक नाम जप करने का आदेश करती थी। वे कहती, तुम केवल सदाचार और निरपराध में जीवन यापन करते हुए नाम में लगे रहो, बाकी सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, बस जीवन सदाचारमय हो और निरपराध जीवन हो, वो भगवान के नाम में लगे रहो और सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो सब संभालेंगे। और खुद कहती थी कि मरणोपरांत मैं स्वयं तुम्हें ले जा करके राधा कृष्ण के चरणों में डाल दूंगी, ऐसा आश्वासन दिया था मां ने। ऐसी महान भक्ति की शक्ति थी उनकी, ऐसी महान माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।